हेलो एवरीवन, दिस सारंग गुप्ता, योर साइंस एंड मैथ्स टीचर। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सर्कल्स का एग्जांपल 10.2 देखने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है ये? इफ टू इंटरसेक्टिंग कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई सर्कल है, लेट सपोज दिस इज द सर्कल विद सेंटर ओ। सेंटर हमने मान लिया इसका ओ है। इस सर्कल के अंदर हमारे पास दो कोर्ड्स हैं जो कि इंटरसेक्टिंग है, तो मैं बना देता हूँ टू कोर्ड्स इंटरसेक्टिंग वाले। एक ये हो गई मेरे पास कोर्ड और एक ये कोर्ड हो गई। दोनों कोर्ड कैसी हैं? इंटरसेक्ट हो रही हैं एक पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं लेट सपोज एक्स पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही। कोर्ड को नाम दे देते हैं हम ए बी एंड सी डी, राइट। सो ए बी एंड सी डी आर टू कोर्ड्स विच आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट नेम्ड एज एक्स। अब एक डायमीटर है, डायमीटर हमें पता है वो कोर्ड होती है जो कि सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो सेंटर से तो पास होगी ही होगी, साथ साथ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि वो डायमीटर इस इन दोनों कोर्ड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट यानी कि एक्स से भी पास हो रही है। तो एक ऐसी डायमीटर बना लेते हैं जो कि एक्स से भी पास हो रही है। देखो डायमीटर है तो सेंटर से तो पास होगी ही होगी ओ से, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डायमीटर है वो कहाँ से पास हो रही है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी पास हो रही है। और जब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है बच्चों, तो ये उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर इक्वल एंगल बना रही है। डेट मीन्स अगर मैं इस एंगल को नाम दू वन और इसको टू, तो ये दोनों एंगल्स मुझे आपस में इक्वल दिए हुए हैं, तो ये गिवन है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, इट इज गिवन दैट एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू, राइट। सो इट इज गिवन। अब मुझे प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि ये जो दो कोर्ड्स मैंने बनाई हैं ए बी एंड सी डी, ये दोनों कोर्ड्स आपस में इक्वल है। सो व्हाट आई हैव टू प्रूव इज एक्स वाई सॉरी ए बी एंड सी डी आर इक्वल, राइट। सो ए बी को सी डी के इक्वल मुझे शो करना है। कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसके लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वो कंस्ट्रक्शन मुझे याद भी रखनी है। सो वो कंस्ट्रक्शन क्या है बता देता हूँ आपको। आपको क्या बनाना है? आपको परपेंडिकुलर बनाना है इस सेंटर से इस कोण पर भी और इस कोण पर भी, दोनों कोण पर आपको क्या बनाना है? परपेंडिकुलर। तो बना लेते हैं, एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे बना दिया इस कोण पर, एक परपेंडिकुलर हमने ऐसे बना दिया इस कोण पर। परपेंडिकुलर कितना एंगल बनाता है बच्चों? 90 डिग्री, राइट। सो ये मैंने कंस्ट्रक्शन की है, इनको नाम देते हैं ओ एम और ओ एन। सो हेयर आई हैव ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड ओ एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक। इतना काम हो गया मेरा कंस्ट्रक्शन में। अब आगे का प्रूफ देखते हैं, कैसे हम प्रूफ करने वाले हैं, दोनों कोर्ड्स को इक्वल कैसे दिखाने वाले। क्या मुझे यहाँ पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं ओ एम एक्स ओ एन एक्स? इन दोनों को क्या कर दें? कॉन्ग्रेंट कर देते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं या नहीं। इसका नाम है ओ एम एक्स, ये एक्स है हमारे पास, और इसका नाम है ओ एन एक्स। देखते हैं कॉन्ग्रेंसी लगाने की कोशिश करते हैं, लग रही है या नहीं। पहली चीज तो मुझे इसमें सबसे पहले तो यही पता है कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू है, बिकॉज इट इज गिवन। ये हमारे पास गिवन है कि एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू है। अच्छा, ये दोनों एंगल देखो, ये भी 90 है, ये भी 90 है, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर डाला था कंस्ट्रक्शन में। तो एंगल ओ एम एक्स इक्वल्स टू एंगल ओ एन एक्स बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री, राइट, बाय कंस्ट्रक्शन। सो मेरे पास ये दूसरे चीज भी आ चुकी है। अब तीसरी चीज जो मुझे दिख रही है वो ये है कि दोनों ही ट्राइंगल में ओ एक्स वाली लाइन कॉमन आ रही है, ओ एक्स इक्वल्स टू ओ एक्स। सो ये मेरे पास क्या आ गया? कॉमन। अगर ये मेरे पास कॉमन है तो मेरे पास तीन चीजें आ चुकी हैं, दो एंगल और एक साइड। जो साइड है वो दोनों एंगल्स के बीच में नहीं है, अलग से है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स जो कॉन्ग्रेंट होंगे, ट्राइंगल ओ एम एक्स कॉन्ग्रेंट होगा किसके? ट्राइंगल ओ एन एक्स के बाय
कौन सी कॉन्ग्रेंसी एंगल एंगल साइड AAS, ठीक है, क्योंकि दो एंगल और उनसे अलग वाली साइड है, राइट। सो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए मेरे पास, कॉन्ग्रेंट हो गए। बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल्स मेरे पास कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि OM इक्वल होगा ON के, OM इक्वल होगा किसके, ON के, राइट, बाय CP CT। अब ध्यान से देखना, जब आपने इतना कर दिया तो आप इसको ध्यान से देखो कि OM क्या है। OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से CD के ऊपर, यानी कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोण के ऊपर। ON क्या है, ON परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दूसरी कोण यानी कि AB के ऊपर, राइट। सो यहाँ पर मेरे पास सेंटर से बनने वाला जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों कोण पर, वो क्या आ रहा है आपस में, इक्वल आ रहा है। तो अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस आ रहा है दोनों कोण का, तो इसका मतलब है दोनों की दोनों कोण्स AB और CD आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। AB एंड CD आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, राइट। मैं ऐसा कैसे लिख पा रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए लिख पा रहा हूँ क्योंकि जो दोनों कोण का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर से, डेट इज OM एंड ON, वो मैंने क्या दिखा दिया है, इक्वल दिखा दिया है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि AB और CD आपस में क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंट होंगे, राइट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हमने थ्योरम पढ़ी थी, हमने थ्योरम क्या पढ़ी थी, हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर दो कोण सेंटर से इक्वल डिस्टेंट रखती हैं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल होंगी, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, हमने इसका प्रूफ भी किया है। आपको सारी थ्योरम्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो ए बी क्या है, सीडी के इक्वल है, रीजन क्या है इसका, द कोर्ड्स विच आर इक्विडिस्टेंट, द कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, द कोर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। जो कोर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस रखती हैं, जैसे कि ए बी और सी डी इक्वल डिस्टेंसेस पर आ रही हैं सेंटर से, तो वो दोनों कोर्ड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, राइट। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा, कैसे हमने इसको किया है वो भी क्लियर होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे।